पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जनपद वाराणसी में, यहाँ पे एक बहुत ही लाजवाब पोल्ट्री फार्म का विजिट करने। इस फार्म की खासियत की बात करें तो जो इसके ओनर हैं एक्स आर्मी मैन हैं, पैरा कमांडो। तो आप समझ सकते हैं कि एक आर्मी मैन जब लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करता है तो उसके पीछे रीजन क्या हुआ होगा। इनको ये आइडिया कहाँ से आया और क्या इनकी सोच थी जो कि आज की डेट में ये अंडे का इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, तो सारी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, सर खुद बताएंगे। तो सबसे पहले इनका नाम और पता पूछते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल आपको बताते हैं इस फार्म की कैपेसिटी कितनी है, कितने अंडों का उत्पादन होता है, एक अंडे के पीछे इनकी कमाई कितनी है और कितने साल से ये फार्म ये चला रहे हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। उपेंद्र प्रताप सिंह, बेपेन सिंह। अच्छा सर, ये लोकेशन कहाँ पे है अपना? ये बनारस में कछवा रोड के पास डुमैला गाँव पड़ता है, डुमैला गाँव। एक्चुअली मैं 2001 में आर्मी ज्वाइन किया और उसके बाद मेरा कमांडो में सिलेक्शन हुआ, पैरा कमांडो में। वहाँ पे 18 साल मैंने नौकरी करके अपने पोल्ट्री लाइन में वो किया, जिसमें बीच में एक मेरे दोस्त के साथ मैं हैदराबाद गया था, वहाँ से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ ये होना चाहिए, हाँ ठीक ठाक बिजनेस है। तो उसी समय से मेरे दिल में आया कि नहीं भाई लेयर में आना है, लेयर बढ़ के देखना है इस बिजनेस को। आप सर बता रहे थे कि आप पैरा ट्रूपर में थे, पैरा कमांडो थे, तो सर्विस को वहाँ सर्विस पूरी करने के बाद आप इसमें आ गए, क्या स्टोरी है जरा बताइए। आपने यहाँ इतना बड़ा फार्म का सेटअप कर दिया तो आपने सर्विस पूरा किया या बीच में, क्योंकि आप तो पूरे यंग हैं, आप रिटायर तो हुए नहीं हैं, क्या स्टोरी है ये? नहीं एक्चुअली मैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया हूँ। आर्मी ग्रुप में क्या है कि 15 साल के बाद आप जिस रैंक में होते हैं उस रैंक में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो वॉलंटियर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता है। आप जिस रैंक में हैं उसमें आप रिटायरमेंट लीजिए और उस रैंक का आपको पेंशन मिलेगा। तो सर में सेना छोड़ के, हाँ सर ये बताइए कि आपने वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद कितना इनमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और अभी फार्म की अपनी कैपेसिटी कितनी है? मेरे फार्म की कैपेसिटी इस टाइम 26,000 बर्ड की है और इन्वेस्टमेंट की बात करें आप तो 2001 से लेके और 2019 अगस्त तक का टोटल जो इसने जो मैं कमाया सब इसमें इन्वेस्टमेंट। तो अभी मान के चलें कि अपने फार्म की कैपेसिटी मतलब कितने बर्ड हैं अभी और कितने अंडे का प्रोडक्शन अभी चल रहा है? इस समय मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 13,000 बर्ड है। 13,000 बर्ड हैं, कितने अंडे निकल रहे हैं? लगभग 48 पेटी। 48 पेटी। तो सर अभी अंडों का रेट क्या चल रहा है इस समय? अगर आप बोलेंगे तो अंडे का रेट ठीक ठाक है, अभी 1281 रुपये आज का बोर्ड रेट है हमारे बनारस डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा। और परमानेंट अगर जाना चाहेंगे कि हाँ इस समय के हिसाब से अगर देखेंगे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये स्थिति है नहीं पोल्ट्री जगत में। एक्चुअली लेयर फार्म में जो है बड़ा ही विकट स्थिति है, आप इसको अगर गहराई से जानेंगे तो उस समय जब मैं शुरू कर रहा था तो उस समय भी यही स्थिति थी। अच्छा। जो देखने वाले लोग थे मतलब जानने वाले कि हाँ इतना अंडा आ रहा है, इतनी बर्ड है, इतना चारा खा रही है, इतना बच रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा था, मतलब बता कि बहुत पैसा बच रहा है, इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन उस हिसाब से पैसा अच्छा बचा। लेकिन आज के 2 महीने पहले की आपके स्थिति बताऊं तो एकदम जो है इसमें इतना उतार था कि हम लोगों के घर से जो है 10,000, 15,000, 20,000 जो है घर से डेली जाने की स्थिति। तो जो लोग लेयर पोल्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत खास चीज़ें बता रहे हैं। अंडे का रेट मार्केट में हमेशा एक जैसा नहीं होता है, तो आपको ये लगता है कि अभी 8 रुपया 7 रुपया है, एक साल ये वैसे ही रहने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बता रहे हैं सर कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई महीने 10,000 से 12,000 या 25,000 रुपये तक इनकी जेब से गए हुए हैं, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप ये समझिए कि इस समय जो है आज के डेट में हमारी जो स्थिति है ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक हमने समिति का गठन किया है, कुटकुट विकास समिति, जिसमें हम लगभग 450-450 फार्मर हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें कि हम लोगों के प्रयास से, इंडिविजुअल हम लोगों के प्रयास से आज अंडे का रेट ये है। और नहीं तो आप अगर देखेंगे तो अगर 10 फार्म विजिट करेंगे तो आपको 7 फार्म बंद मिले, 3 ही फार्म रनवे पे है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं, इसके पहले जो हमने लेयर पोल्ट्री का एक वीडियो बनाया हुआ था 28,000 कैपेसिटी का, तो वहाँ पे जो वहाँ के ऑनर थे यही बात बता रहे थे कि फीडिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है कि लेयर पोल्ट्री में अब कुछ बचत नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये सर आप बता रहे थे कि अगर किसी को लेयर पोल्ट्री में आना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए?
लेयर पोइट्री में आने के लिए सबसे पहले तो आप ये यकीन करें कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना आप जैसे कि मान लीजिए 5,000-10,000, पहले तो आप एक यूनिट से नीचे का प्लान मत करिए। अगर लेयर बिजनेस में कोई आना चाहता है, बरंडा के व्यापार में कोई घुसना चाहता है, तो एक यूनिट से नीचे कोई प्लान ना करे। अच्छा, एक यूनिट मतलब कितने हजार? एक यूनिट मतलब 10,000। 10,000 मुर्गियों की कैपेसिटी वाला, उससे नीचे कोई प्लान ना करे। तो 10,000 मैं मान के चलता हूँ कि किसी बंदे को स्टार्ट करना है, लमसम का एक आइडिया बता सकते हैं कितना खर्चा आएगा? अब आज के टाइम में जिस तरह से फीड का कास्ट है, जिस तरह से हमारा जो है इनको फार्मिंग करने का, इनको पालने का, जिस तरीके से हमारा व्यय हो रहा है, इस तरीके से मोटा मोटा मारिए कि अगर आप अपनी भाषा में बोल रहा हूँ कि अगर बनिया बन के करेंगे तो एक के नीचे हो सकता है। अच्छा। और थोड़ा सा अगर ठाकुर शाही अंदाज में आए तो एक के ऊपर जाएंगे। अच्छा, 1 करोड़ के ऊपर जाएंगे। अच्छा, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है 10,000 बड़े पे, या अभी मैं यही समझ लेता हूँ, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा सर का इनकम कितना हो रहा है। तो अभी हम ये समझते हैं, अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है, हमारा 10,000 कैपेसिटी का पोल्ट्री फार्म है, लेयर पोल्ट्री, उसमें हम कितना बचा सकते हैं? अब पहले तो आपको ये बताऊँ कि जो मैं आंकड़ा बताया आपको, इसमें लोग इसको अतिशयोक्ति मानेंगे। इसलिए मानेंगे क्योंकि आप अमूमन आप मोबाइल पे या कहीं भी यूट्यूब पे देखेंगे तो 10,000 बर्ड मतलब 70 से 75 या 71 या 72 इस लाख की, इतने लाख की कैपेसिटी या इतने तक की प्रोडक्शन तक का जो है इन्वेस्टमेंट बताते हैं लोग। लेकिन वो जो आंकड़ा है वो 2013 जब अखिलेश सरकार ने कुटकुट विकास समिति का मतलब एक नया दिए थे कि अंडे के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, उस समय 71 लाख का इनका प्रोजेक्ट था। और 70 लाख का प्रोजेक्ट था 2013 में जब समाजवादी सरकार ने लिया हुआ था यूपी में कुक्कुट विकास योजना के अंतर्गत। बिल्कुल बिल्कुल, तो वाली बात है। 71,000, हाँ, उस समय 71 लाख उस समय जो है 71 लाख 2013 की इन्वेस्टमेंट थी, प्रोडक्शन तक कास्ट एक यूनिट जो है लेयर बर्ड का। और आज 2013 से हमारा 2022 चल रहा है, उस समय शायद 2013 में इस बिजनेस में नहीं था, केवल सुना हूँ, 2019 में आया हूँ मेरे कार्यकाल के दौरान। आज जो है अभी मैं फेज टू अपना फीड इस्तेमाल कर रहा हूँ और 14 रुपये में जो है मेरे यहाँ पहुँच के पड़ रहा है। और यही बर्ड जो हमारी ग्रोइंग में बर्ड होती हैं, जो फेज वन चारा मतलब इसमें बर्ड की स्थिति के हिसाब से हम इनको फीडिंग करते हैं, जिस स्थिति में जिस उम्र में बर्ड हैं उस हिसाब से इनको हम चारा खिलाते हैं। तो ए ग्रेड का चारा मतलब कि चिक्रम बल या मतलब कई तरह के चारा इस्तेमाल करते हैं, मतलब सबसे अच्छा जो चारा है इस समय 28 से 30 रुपये के जी हमें पड़ रहा है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि आज वो 71 लाख जो मैं जो आप हमेशा देखते रहेंगे देखते रहेंगे यूट्यूब में कहीं देखेंगे तो 71 लाख प्रोडक्शन तक का, वो इस समय बढ़ के एक से ऊपर ही जाएगा, नीचे कोई मतलब नहीं। अगर आपको एक यूनिट का लेयर पोल्ट्री फार्म बनाना है, 2013 में ये 71 लाख था, अभी एक बढ़ के 1 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं कि 10,000 का हमने फार्म बनाया हुआ है, कितने अंडों का उत्पादन उसमें होता है? सभी मुर्गियां तो अंडे देती नहीं। एक्चुअली जितनी बर्ड हम मान लीजिए 10,000 बर्ड रखे हैं, तो इसमें लास्ट प्रोडक्शन जो है, जब पीक प्रोडक्शन हमारा बोलते हैं, जब से सबसे ज़्यादा अंडे हमारे निकलते हैं, जब हमारी बर्ड लेइंग पे आती हैं, उसके बाद जब पीक प्रोडक्शन होता है, 96% अगर कोई किसान अपने बर्ड का प्रोडक्शन लेता है तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस, सबसे बेहतर जो है फार्मिंग कहा जाता है कि सबसे अच्छा रख रखाव, सबसे अच्छा फार्मिंग रेट है इनका, अगर 96% वो प्रोडक्शन ले रहा है तो। और आप वैसे मानिए कि लगभग 92-93% प्रोडक्शन आप ले सकते हैं नॉर्मल तरीके से। अच्छा। तो जो लोग लेयर पोल्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सर बता रहे हैं, अगर आपको लेयर पोल्ट्री में आना है तो आपको कम से कम एक यूनिट से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है, इनके पास एक छोटा सा फिश फार्म भी है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो पूरे तरीके से अगर आपको लेयर पोल्ट्री में आना है तो चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, और मार्केट में अंडे का रेट ऊपर नीचे होता रहता है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि अगर आपके पास एक बैकअप के लिए जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया लगभग उतना ही आपके पास अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप लेयर पोल्ट्री में आइए। और उम्मीद करते हैं जानकारी से भरा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और फौजी सर का ये फॉर्म था, एड्रेस इन्होंने बता दिया है। और वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फौजी साहब के पास क्या दिख रहा है समझ जाएंगे। चलिए, थैंक यू।